सिरसा का मेधांश कैलेंडर बुआई बन चुका है, यानी आज से 30 साल बाद कौन सा दिन होगा, 30 साल पहले कौन सा दिन था, मेधांश को सब कुछ टिप्स पर याद है। कुदरत का जुल्म देखिए कि यह टैलेंटेड बच्चा आंखों से देख नहीं सकता। हालांकि मेधांश को शुरुआती दौर में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन मेधांश और उसके परिवार ने हौसला नहीं खोया और मेधांश को कामयाब करने की ठान ली। सिरसा के नोहरिया बाजार में रहने वाला मेधांश ये बता देता है कि 30 साल बाद या 30 साल पहले कौन सी तारीख पर कौन सा वार होगा। मेधांश आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन काबिलियत इतनी है कि कुछ ही पल में ऐसी जानकारी दे देता है। मेधांश की इस काबिलियत के चलते उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मेधांश IAS बनना चाहता है और अपने इस काबिलियत का श्रेय वह अपने पूरे परिवार के अलावा अपने शिक्षक को भी देता है। मैं जब 4-5 साल का था तब से मेरे में कैलेंडर बॉय की वो थी, तो किसी कोई इसके बारे में सीरियस नहीं था। जब मैं 7-8 साल का हुआ तो मैं 10-10 सालों पीछे का बताने लग गया, तो मेरी मम्मी को लगा कि अब भेज देना चाहिए, और मेरे पूरे परिवार को भी यही लगा। इसीलिए मैं रिकॉर्ड्स गया और फिर मैंने ये रिकॉर्ड जीत लिया कैलेंडर बॉय का। क्या कुछ? वहाँ बहुत अच्छा रहा। मुझे अब ये डेट्स याद नहीं है कि कौन सी पूछी थी, लेकिन 100 डेट्स पूछी थी ये याद है। मेरी फीलिंग आई एम हैप्पी, और मैं ये विश करता हूँ कि मैं और भी किसी चीज में रिकॉर्ड्स बनाऊँ। ये तो मैं ना डेट्स, जैसे आज ट्यूसडे है तो मैं ये था कि कल कौन सी डेट, वेंसडे को कितनी डेट होगी, ऐसे ऐसे मैं ना फ्री टाइम में अपने ये करता था, तो फिर मैं परफेक्ट हो गया ऐसे ही। मैं कम से कम अराउंड 17 ईयर्स की उन्होंने पूछी थी, लेकिन मैं 30 ईयर्स तक की बता सकता हूँ। जैसे लीप ईयर है तो हम आगे के लीप ईयर में एक डे छोड़ते हैं, लेकिन जब हम पीछे आते हैं तो हम लीप ईयर में डे नहीं छोड़ते। जैसे 2020 है तो हम 2019 में एक डे पीछे कर देंगे। 15 जैन बता दीजिए आप। वेंसडे। मैं नेक्स्ट टारगेट मेरा यही है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए लड़ा, मेरे पापा ने मुझे हर चीज़ वो अवेलेबल करके दी जो जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरे दादा दादी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे SST, मैथ्स और थोड़ा बहुत मैं साइंस में भी शौक रखता हूँ, और मैं नेचर में भी शौक रखता हूँ, और डिजास्टर वगैरह जैसे SST और मैथ्स साइंस भी मैं थोड़ा बहुत रखता हूँ, और टेक्नोलॉजी में भी मैं रखता ही हूँ शौक।